खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नागरिकता कानून के विरोध में आज आरजेडी ने बिहार बंद बुलाया है। बिहार बंद के दौरान कोई हिंसा ना हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिहार बंद को लेकर कल पटना में तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के बड़े नेताओं ने मशाल से जुलूस निकाला। आपको सीधा हमारे दो संवाददाताओं के पास लेकर चलते हैं। बिहार के भागलपुर में आदर्श मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और पटना से निधिश्री हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। आदर्श, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी। भागलपुर में आप मौजूद हैं, आरजेडी ने बिहार बंद बुलाया है, लेकिन क्या गारंटी है कि कोई हिंसा नहीं होगी? किस तरह के इंतजाम सुरक्षा के लिए यहाँ पर किए गए? देखिए मांद्रा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भागलपुर झारखंड के उन हिस्सों से जुड़ता है जहाँ से पश्चिम बंगाल की जो सीमा है, बॉर्डर है, बिल्कुल नज़दीक है, और इसलिए एहतियात के तौर पर पहले की घटनाओं को देखते हुए भागलपुर में विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट है कि शायद आज के दिन जो बंद बुलाया गया है आरजेडी का, उसमें कुछ एक छुटपुट हिंसा भी हो सकती है। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपील ज़रूर की है कि वो जो बंद बुला रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की हिंसा ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील की है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की हिंसा ना हो। सुबह 9 बजे के आसपास ये प्रदर्शन शुरू होगा और फिलहाल भागलपुर में अभी शांति का माहौल है। आमांद्रा जी, आदर्श, उम्मीद हम यही करते हैं कि इसी तरह शांति वहां पर बरकरार रहे। हालांकि 9 बजे का वक्त है जब ये बंद, ये जो प्रदर्शन है ये शुरू हो जाएगा। पटना आपको ले चलते हैं निधिश्री के पास। निधि, एक तरफ आरजेडी ने कहा है कि आज बंद बुलाया गया है, हालांकि ये भी कहा गया है कि किसी तरह की कोई हिंसा नहीं होगी, दूसरी तरफ नीतीश भी ये कह चुके हैं काहे का एनआरसी। जी देखिए, पहले ही नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि एनआरसी बिहार में लागू नहीं होने देंगे, भले ही सीएए को समर्थन मिल गया है जेडीयू की तरफ से, लेकिन लगातार तेजस्वी यादव और आरजेडी जो उनकी पार्टी है वो इस बात का विरोध कर रही है। नीतीश कुमार पर भी निशाना साध रही है कि नीतीश कुमार पलटू राम है, पलट जाते हैं अपनी बातों से, और इसी वजह से आज प्रदर्शन, और प्रदर्शन से पहले मशाल जुलूस कल रात को पटना में अलग अलग हिस्सों में निकाला गया था आरजेडी की तरफ से। लेकिन मैं आपको बताऊं मांद्रा कि तेजस्वी यादव ने यह पहले भी कहा है कि अगर पुलिस एक बार भी जबरदस्ती करने की कोशिश करती है प्रदर्शनकारी जो उनके साथ रहेंगे प्रदर्शन के वक्त, तो फिर इसका अंजाम बुरा होगा। ये चेतावनी उन्होंने पहले ही दिया है। और मैं इस वक्त राजेंद्र नगर टर्मिनल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें, आमतौर पर जो प्रदर्शनकारी होते हैं वो ट्रेन रोकने की कोशिश करते हैं, आगजनी करते हैं, इस तरीके की इस बात का अंदेशा रहता है। और यहाँ पर जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखाऊंगी, पुलिस की तरफ से किस तरीके से एहतियातन बरते गए हैं। ये जो चेक पोस्ट है यहाँ पर देखिए कि जैसे ही प्रदर्शन को लेकर के ये नोटिस दिया गया था, वैसे ही सुबह तड़के 6 बजे से तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो जो प्रोटेक्टर देख रहे हैं आपकी जैकेट, ये रखा हुआ है, हेलमेट रखा हुआ है। अभी इस रेलवे स्टेशन पर, राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया है। दूसरी तरफ चूंकि ये बाउंड्री कर दिया गया है, लिहाजा प्रदर्शनकारी इधर फुटओवर ब्रिज से चढ़कर के नीचे की तरफ आते हैं, और इसी वजह से तमाम आप महिला पुलिसकर्मियों को, जो पुलिसकर्मी है उनको आप देख रहे हैं कि जैकेट लेकर पहन करके यहाँ पर मौजूद है। तो पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, लेकिन साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि पटना जंक्शन पर प्रदर्शन नहीं कर सकते, इजाजत नहीं है। और इस वजह से इस बात का डर है कि तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं जो आएंगे वो सीधा रेलवे स्टेशन राजेंद्र नगर पर ही आएंगे, और इसको लेकर के यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम है। ठीक है नीतू, तो प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं पटना में भी, और इसी तरह से भागलपुर में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, निधि आपका भी और आदर्श आपका भी। तो फिलहाल बड़ी खबर यही बिहार से कि आरजेडी ने बिहार बंद बुलाया है और कोई हिंसा ना हो, इसके लिए सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं।